कोई देखे ये तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी कोई देखे ये तन्हाई ये बेचैनी ये मजबूरी तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो मेरे काबिल हो जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो मेरी मंजिल हो जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो मेरी मंजिल हो तवील रातों में तू भी किसी करार को तरसे तेरी आंखें किसी गमगुसार को तरसे मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे सर दुनिया से साड़ी तूर उड़ती जाती है ओ वेखो सड़का ते अग तोड़ी जाती है 24/7 होगी दोनों मुल्कों में तिजारत इन्हीं रस्तों पर चलेंगे तो जिंदगी होगी खुशहाली से इबारत जंगी जुनून से आएंगे बाज मेरे दिल की है आवाज तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज कहते हैं मैं और मेरी मजाक राती थी कोई गल ना उसके तुझे साड़ी चावा अरे भला जामी रंग का पहना हुआ ये कहां से बनवाया ये एक बंदा बनाउन दिया सी ते मैं बनदे दे विच वड़ गया अरे बहुत बढ़िया लग रहे हो बड़ी मेहरबानी थैंक यू आज आप कहे जामनू जामनू तेरा भी आज शामनू बड़ी मेहरबानी न्योले मियां मेहरबानी सभी हम लोग पढ़ा करते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे होगे खराब लेकिन नुमान भाई ये पुराने दौर की बात है आपको वो है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब पप्पू भाई मैं आपकी इस बात से भूकंप वाली तबाह करता हूँ ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अस्पतालों में है और जो अनपढ़ लोग हैं यानी खिलाड़ी लोग हैं वो गाड़ियों में फिर रहे अरे गाड़ियों में गेंद बल्ले और इधर आ गए बहु बिल्ले अच्छा हमारे यहाँ सियासत के अलावा जो सबसे ज्यादा खेल खेला जाता है वो है क्रिकेट वाह आवाम दोनों से इतना प्यार करती है जितना लोड शेडिंग से नफरत करती है आवाम दोनों से वही उम्मीद रखते हैं जो बिजली और गैस से रखते हैं कि क्या पता आए या ना आए क्या पता जीते कि ना जीते क्या कहने आज मैं करेले गोश्त बना के लाऊंगा सिर्फ तुम्हारे लिए और गर्जी को क्या बेयकीनी की सूरत हाल है दूल्हा जाता है ना शादी पे पता नहीं दुल्हन वापस आए ना आए मुझे मिले ना मिले ऐसी बेयकीनी अजी बड़ी बेयकीनी हो गई है आप घर जाते हैं पता नहीं घर में भाभी दरवाजा खोले न खोले और इस बेयकीनी में ना हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है नुमान भाई हर बंदा पहले इंसान होता था हाँ फिर अब कुछ सियासत में आ गए और कुछ बल्ला पकड़ के गेंद के पीछे पीछे भागते हैं हर बंदा सियासतदान या क्रिकेटर बनना चाहता है नाजरीन हमारी गलियों और मोहल्लों में जो दो खेल सबसे ज्यादा खेले जाते हैं वो है क्रिकेट और सियासत और क्रिकेट और सियासत में ऑलराउंडर का किरदार बहुत अहम होता है और ऑलराउंडर किसे कहते हैं ऑलराउंडर उसे कहते हैं जो सब कुछ कर सकता हो बेशक करता ना हो इस वक्त जो दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उनमें से पहली मेहमान ऐवानों और मैदानों में ऑलराउंडर का किरदार अदा कर रही हैं पंजाब असेंबली की रुकन है नून लीग से इनका ताल्लुक है आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में अजमा बुखारी साहिबा और उनके साथ जो बैठे हैं हमारे दूसरे मेहमान वो क्रिकेट की दुनिया के वो स्टार हैं जो छक्के मारते ही नहीं बल्कि छक्के छुड़ाते भी हैं हमारी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बहुत सारी तालियों में उनका भी इस्तकबाल कीजिएगा जनाब अब्दुल रज़ाक साहब सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम जी अजमा साहिबा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए अजमा और उज्मा तो ये क्या है जरा इसकी जरा हमारी एक कंफ्यूजन है वो जरा दूर कीजिए ये बड़ा इत्तेफाक है कि हर प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ये कंफ्यूजन करना पड़ता है और ये मेरे डैडी की मेहरबानी है
बिकॉज मेरे बचपन में मेरे फादर के एक चचा थे, उनको न्यूमरोलॉजी पे बड़ा अबूर था. सो उनका कहना था कि मैं बहुत बड़ी सुपर चीज बनूंगी. सो इसलिए मेरे बट मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मेरे उर्दू में मेरे नाम के साथ अलिफ होना चाहिए और इंग्लिश में मेरा नाम ए से होना चाहिए. सो मेरा नाम वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम उज़्मा टू अज़्मा. तो यू का यू टर्न हो गया. यस, यू का यू टर्न हो गया. डैडी ने किया, मैंने किया. ऐसा ही एक यू टर्न आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है गालिबन. आई मीन यू वर विद द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड देन यू. इट्स नॉट यू टर्न नुमान, एक्चुअली ये बड़ा एक पेनफुल मेरे लिए एक एक्सपीरियंस और एक पेनफुल चीज थी. बिकॉज मेरी एसोसिएशन बीबी के साथ बहुत थी और मुझे पॉलिटिक्स में बीबी ही लेके आई थी. अच्छा, ओके. और मैं आज भी मैं फखर से कहती हूँ कि बेनजीर भुट्टो की जियाली हूँ, मरते दम तक रहूंगी. बट उसके बाद मेरा एक फुल स्टॉप और बहुत बड़ा. नून लीग में रह के ये स्टेटमेंट दे रही हैं? नहीं, नून लीग भी बीबी को ये देखिए, जब बीबी ने मिसाक जमहूरियत किया तब भी, यानी बीबी का और पीएमएलएन के साथ जो पीपल्स पार्टी का एक डेमोक्रेसी के हवाले से जो एक पैचअप था, जो आगे चलने की बात थी. और मेरा बिलीव है बहुत स्ट्रांग कि मुल्क में दो ही बड़े लीडर थे, या बेनजीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ साहब है. और बीबी के बाद जो पार्टी के साथ हुआ या जो पार्टी के लोगों के साथ किया गया, उसमें मैं सिर्फ दुआई दे सकती हूँ. अल्लाह उनका भला करे. बस हमने भी दुआएं दी है जी, मेरी सारी दुआइयां मैं उन्होंने देती हूँ. मैं बीमार ही शायद किसी दुआई का असर हो जाए. आपका भी नाम क्या इसी तरह न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली रखा गया, या किसी बुजुर्ग ने रख दिया कि बस इसका नाम अब्दुल रज़ाक होना चाहिए और ये एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा? तो क्या कोई साइंस थी आपके नाम के पीछे भी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, और ना ही क्रिकेट का शौक था. और अच्छा, वाकई जिस मोहल्ले से मेरा बिलोंग था वहां पे बस गली मोहल्ले में खेल सकते थे. हाथ साथी क्रिकेटर बने? हाँ जी, जिमें हाथ साथी जरदारी साहब सदर हो गए. बुजुर्गों ने क्रिकेट खेलते थे, गेंद फड़ा के लिए आगे देनी. हाँ जी, उन्होंने बॉलिंग लाने का जो अल्लाह तरफ ला करे. नहीं तो इतनी धुआंधार जो क्रिकेट का आगाज किया आपने, तो गलियों मोहल्लों में शीशे और दिल तो तोड़े होंगे बहुत से. हाँ भाई, एक शौक काफी था, पर इस तरफ जिस इलाके से बिलोंग करता था शाहदरा से, तो वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं था. कोई भी प्लेयर नहीं बना पाकिस्तान, कोई नहीं खेला. मेरे बाद दो तीन प्लेयर बने हैं जो खेले हैं, तो ऐसा सोच भी नहीं सकते थे. रज़ाक साहब, मैं पुलिस का आदमी हाँ, वो फसला जी बैठे छतरे रहेंगे ना दरियाओ पार. अच्छा, आवाज पहुंचानी. ऊ कही तेन सुनता, सीधी आवाज मारी तो पार्टी तक ही रुक जाती. अच्छा, रज़ाक रज़ाक साहब आउंदी नहीं, दरियाओ पार है ना. ਸ਼ਿਕਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁਣ ਬਣੇ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਇੰਜ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ. ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ. चाचा ने तैरना नहीं सीखा, सलवार जो हवा भर गया. नहीं जी, आप देखें, एक तो शदरा के वो है और मेरे मियाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए शदरे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की. नहीं कर रहा है जी, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया. हाँ, सबसे कम उम्र थे जब हैट्रिक की थी एक टेस्ट के अंदर. अरे इस बात को बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये. अच्छा, अजमा साहिबा के मियाँ का ताल्लुक शाहदरा से है. मेरे लिए तो सबसे कीमती जगह होगी ना वो. इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी शेखुपुरा है? जी, मैं शेखुपुरा से ताल्लुक रखती हूँ. शेखुपुरा में फासला बीच में? हाँ, नहीं अब कहाँ फासला, सकते हैं शेखुपुरा नाल मिल गया. तुम मेरे ना चलो चपेड़ा मारता, मैं उठे पहुंच जाऊंगा. अरे भाई मियाँ, फासले हादसा नहीं होते, बंदा परवर खफा नहीं होते. ठेस लगने पे टूट जाते हैं, आईने बेवफा नहीं होते. अच्छा, ये शाहदरा और शेखुपुरा का फासला खत्म हुए कितने अरसा गुजर गया? 7 years ऑलमोस्ट. 7 साल हो गए. दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं सियासत, और दोनों का ताल्लुक भी वकालत से है गालिबन? जी नहीं, वो तो एजुकेशनिस्ट हैं बेसिकली. अच्छा, ओके. मेरा प्रोफेशन वकालत है, बट अनफॉर्चुनेटली खवातीन को देखें ना, बहुत सारे काम करने होते हैं. प्लम्बर भी हमें घर में बुलाना होता है खुद, बच्चों को दवाई भी हमें लेके देनी होती है, ग्रोसरी भी हमें करने जानी होती है. तो सो मैंने फिर ये प्लान ये किया कि वकालत को जो है वो थोड़ी देर के लिए साइड पे करके, बिकॉज बच्चों को भी टाइम देना है, बच्चों को भी. मतलब दोनों तो मसरूफ रहते होंगे, तो क्या घर में बादशाही जो है मुलाजमों की है? जी बिल्कुल नहीं, मेरे घर में वो मैं वो उस तरह की वो बेगमात वाली जिंदगी मैं नहीं जीती हूँ. मैं जब यहां से घर जाऊंगी तो स्लीपर पहन के सबसे पहले जो है वो किचन में क्या हो रहा है और लॉन्ड्री में क्या हुआ और बच्चों के कपड़े इस्त्री हुए या नहीं,
ये सब चीजें मैं खुद मैनेज करती हूँ. सो यू कीप योर पॉलिटिक्स आउट ऑफ योर हाउस? यस, मैं ट्राई करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, बिकॉज जो एक क्वालिटी टाइम घर में मिलता है वो फैमिली के लिए है, वो हस्बैंड के लिए है, वो बच्चों के लिए है. मैं 10 बजे के बाद अपना फोन भी स्विच ऑफ कर देती हूँ फॉर दैट रीजन कि मुझे हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ जो है वो टाइम. नुकसान तो साडा होया ना. क्या मतलब? साडा शो 11 बजे चलता, तुसी 10 बजे स्विच ऑफ कर देंगे. इसी वास्ते ते करनी है बिकॉज मजाक रात देखना होता ना. फोन अगर स्विच ऑफ नहीं करांगी ते फोन ते बेला बजेंगी खराब हो जाएगा. टीवी रजाक जी, बच्चे दे नीड यू मोर, तो क्या कहते हैं, कैसे वक्त मैनेज करते हैं? टूर पे भी जाना है, क्रिकेट भी खेलनी है, बच्चों के साथ भी टाइम. तो डू यू टेक देम अलोंग? हाँ जी भाई, इंग्लैंड वगैरह, दुबई वगैरह या इंडिया के टूर होते हैं उसमें चले जाते हैं. हाँ. स्कूल जब से जाना शुरू किया थोड़ा सा फिर टाइम जो है ना मुश्किल मैनेजमेंट हो जाती है. तो किससे इंस्पायर होके क्रिकेट? कोई बॉलर था जिससे बहुत इंस्पायर्ड थे? कोई बैट्समैन था? देखिए इमरान खान पसंद था, हर एक आइडियल है. और मेरे वसीम अकरम थे. अच्छा. और उनको मैं काफी क्लोजली वॉच करता था और अल्लाह का शुक्र है उनकी कप्तानी में मेरा डेब्यू हुआ. ऐसे किले आराम ना बैठा, एक गेंद नहीं मिस कर रहा है. फड़ियो सुपर एक्टिव है अपने मैदान में. अजी अबू धाबी के अंदर सबसे फास्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है. अरे तुझे हर बात का पता है. स्टेडियम आज के कीड़े, आप उनकी टांगे तो देखें कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है. ये तो आम बात नहीं है. ठाकुर भाई को क्रिकेट का बहुत पता था. क्या स्टेडियम की बोतल खरीद. माफ कीजिएगा, बोतलें मैंने जिंदगी में नहीं बेची. हाँ अलबत्त कीनू और पकौड़े बेच लेता था. हाँ पकौड़े इसलिए साथ में रखे हुए हैं. हाँ अच्छा रजाक भाई, अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? नेचुरली होता है बड़ा शाय पर्सन, शुरू से ही एक रिजर्व रहने वाला, शर्मीला. हाँ जी, मैं समझता कि मैं सिर्फ घर में ही रहता, कुछ ना करता. उनसे आजकल क्रिकेटर बड़े बेहतर तरीके जे आ रहे हैं जनाब. अब एक नहीं, मैं मदर फान पा कड्डा लम्मा कर दे उधर. मैं क्या कहते इन खिलाता है क्यों नहीं? मैं क्या जी ग्राउंड च खलोता ही दो बारी इत जहाज बज गए. बातें जारी है लेकिन लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक. क्विकली विल बी बैक. जी डीजे कर लो रेडी चरखियां पिन्ने बेच लड़ाना जिन्ने जिन्ने मुश्किल नाल बसंत लब्बी खाली लंगे साल भी किन्ने शहर दे अंदर शोर नी पैना चांगे मांगे जाना पैना उथे जाके ढोल बजाना जंगल दे विच मंगल होना सिंधे विच भी कुत्ते उड़ने लोरियां ने भी भुल्ले लुटने प्यार के पेर जितोने पैने फेरी सारे रोले मुकने. एक्टिंग शेक्टिंग भी की थोड़ी बहुत? नहीं, एक्टिंग का मुझे कभी शौक नहीं. वो आप सियासत में आके जो कर रहे हैं. अरे यही लाना चाह रहा था कि सियासत में कितने बड़े एक्टर होते हैं, आपने नोट किया? मैं तो खुद कह रही हूँ. वेलकम बैक टू मजाक रात. बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं अपने मेहमानों के साथ. वो एक स्टेटमेंट थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. आप क्या कहते हैं इस बारे में? पढ़ाई भी जरूरी है भाई. ये कि हमारा माशरा आपको पता है कि ज्यादातर देहात से है, तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं. अब अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है. अब जितने क्रिकेटर्स आ रहे हैं काफी पढ़े लिखे आ रहे हैं. अजमा भाई साहिबा से भी पूछ लूं कि वो क्या सोचती हैं इस हवाले. हाँ जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं समझती हूँ कि अगर जो बच्चे जिन खिलाड़ियों को हम ले जाएं उनको ग्रूम करने की जरूरत पीसीबी को खुद करना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग का इंतजाम होना चाहिए. और मैं खुद बैडमिंटन खेलती रही हूँ अपने. अच्छा, स्कूल और कॉलेज के जमाने में. मैं ऐसी नहीं थी नुमान साहब जो मैं आज आपको दिख रही हूँ. यानी मैं भी बड़ा इंसान थी, अच्छा खासा नॉर्मल इंसान. बट ये है कि वो आप लोगों के टॉक शोज में देख देख के लगता है कि हम पता नहीं क्या कौन सी मखलूक है. हम भी एक आम हंसने खेलने वाले लोग हैं. और इसीलिए आपको दावत दी है हमने मुजाकरात में कि वी वांट टू सी ओरिजिनल अजमा बुखारी साहब. मुझे भी बहुत खुशी है इसलिए. बट ये मुजाकराती टीम बहुत सारे मुजाकरात किए हैं मैंने, बहुत टॉक शोज में बहुत सारे लोगों के साथ. बट ये सबसे खतरनाक टीम है. हमने कहा आप बैडमिंटन खेली तो क्या हमारी जो देसी खेले लड़कियों की शटापू खेल? हाँ बिल्कुल खेला. और गरम कोकला छपाकी जो मैं रात आई है और वो खेली खेले बिल्कुल तो बहुत खेला बहुत अर्ली एज के अंदर. और लेकिन ये है कि वो अभी दूसरे वाला को मैं तो इसको आगे क्यों नहीं नेशनल लेवल पे क्यों नहीं बैडमिंटन के गई आप? देखिए मुझे बहुत शौक था बैडमिंटन खेलने का. बट मैंने कोई उसको मैंने स्कूल कॉलेज के अंदर उसको कोई कॉम्पिटिशन में बहुत वो नहीं किया. मेरा बहुत एकेडेमिक साइड पे जो है वो एप्टीट्यूड था. मैं हेड गर्ल भी रही
अपने उसमें फिर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी और कभी किसी जमाने में जो है वो कलाम इकबाल पढ़ा करती थी। एक्टिंग शक्टिंग भी की थोड़ी बहुत। नहीं एक्टिंग का मुझे कभी शौक नहीं हुआ, वो आप सियासत में आके जो कर रहे हैं। अरे वो यही लाना चाह रहा था कि सियासतदान कितने बड़े एक्टर होते हैं, आपने नोट किया? मैं तो खुद कह रही हूँ। तो ये बताइए, ये ड्रामेटिक सोसाइटी तक ही महदूद रही एक्टिंग या टीवी की हद तक भी कभी कोई अपॉर्चुनिटी? नहीं कभी भी नहीं, बिकॉज मुझे उस तरह से वो शौक नहीं था। ड्रामेटिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी होके मैं लोगों को डायरेक्शन में डायरेक्शन का काम ज्यादा बेहतर किया करती थी। तो प्लान करना मुझे, वो चीजें ऑर्गेनाइज करना चीजों को, वो मुझे ज्यादा पसंद था। ऑलवेज कमांडिंग कमांडिंग जो करना है, बिकॉज मेरा स्टार लियो है तो शायद इसलिए भी लीडरों की यही क्वालिटी होती। रज़ाक कोई ऑफर कभी आई फिल्म में? दो तीन क्रिकेटर्स ने कहा कि हम एक्टिंग में जाना चाह रहे हैं और दो तीन ने तो शायद अटेम्प्ट भी की थी। भाई ये कि क्रिकेट में इतने मसरूफ रहे और क्रिकेट आपको पता है जब पैशन हो तो फिर क्रिकेट नजर आती है। रज़ाक भाई बिल्कुल सादा है, लगता है जब लड़के इनके करीब आती होंगी तो भैया कह के भाग जाती होंगी। इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा क्रिकेटर, साडा फकरिया शक्लो इंज लगता जिम्मे हमने कहा साइकिल गुआच गया दिहाड़ी। ये डाउन टू अर्थ होने की निशानी है, शरीफ आदमी ने ना, भक्ति से जुड़े हुए लोग ऐसे ही होते हैं। अजी मैं तो जाती तौर पर जानता हूँ बहुत अच्छे से, हमारी सलाम दुआ बहुत ही झुके हुए मिटे हुए जाती तौर पर तू ना क्योंकि उधार लेना रहना नहीं। अजी हमारे दोस्त हैं गुल बकौली, वैसे मैडम जी आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि मैडम नाहिद अख्तर का गाना लेके आप परफॉर्म कर लें? मैंने कभी किसी को इतनी जरूरत नहीं दी, मुझे लोग डरते बहुत है पता नहीं क्यों, हालांकि मैं अच्छी खासी एक आम सिंपल सी खातून हूं। आप जब टॉक शो में बात करती तो लगता उन्हीं बैग चो डंडा कट के इन्होंने कुटन भी ला पड़ा। हाँ बड़ी अजीब सी परसेप्शन है सियासतदानों की, बना दी गई। दे डोंट स्माइल, दे डोंट लाफ, दे डोंट एंजॉय, आई डोंट नो। वेरी स्टबर्न नौमान भाई, शेखुपुरा की मट्टी ऐसी है लोग डरते हैं उनसे। अच्छा ऐसी अल्लाह सबको इज्जत दे वरना शेखपुर की मिट्टी और भी बड़े काम बखा रही। अजमा साहिबा आप और आपके जो हस्बैंड है समीउल्लाह साहब दोनों पॉलिटिशियंस हैं, तो घर में सियासत तो खेल चलता रहता है? हाँ मखाई चल जाता है वैसे, मिनी मैं कोई आम भी बात करूं तो उसमें सियासी जो है वो एक पहलू आ जाता है। वो जहां उनको बचना होता है खासतौर पर उनकी जेब का जहां इशू आए वहां वो बहुत सियासी गुफ्तगू करके मुझे फारिग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं काफी मुस्तकिल मिजाज हूं। तो घर में जिमनी इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस की है? वैसे तो नहीं की पंजाब में इन्होंने। नहीं मैं जिमनी इलेक्शन हो नहीं सकता ना, बिला मुकाबला मैं वहां पर विनर होती हूँ, इसलिए वहां पर जी नाजरीन का वक्त हुआ है वीडियो क्लिप का, चलिए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। भाई मेरे को किराएदार चाहिए, फ्लैट मेरे को किराए पे देने का है, लेकिन जो बात है, अरे यार बात सुनो मेरी। अम्मा प्लीज जल्दी से कुछ कर लीजिए वरना आपके 32 दिन की जो मेहनत है ना उससे पानी फिर जाएगा। बेटा तू फिक्र नहीं करना, मेरे को उसके ऊपर पहले शक था, ये बहुत जलील औरत है। मैं देख लूंगी उसे तो। अरे तू क्या देखेगी, मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता जो तू बोल रही है, मैं देख लूंगी। अरे नहीं भाई वो काबू में नहीं आएगी, बहुत गुस्से वाली औरत है। आप कितने दिलचस्प आदमी हैं। आई एम इंटरेस्टिंग? आप यकीन नहीं आता ना, ना लगता नहीं है कि आप उस बदबख्त की हमशीरा। खुदा के लिए उसकी बीवी से झगड़ा नहीं करने का है क्या? कैसी बातें करते हो जुलेखा के अब्बा, मैं झगड़ा करती हूँ? पिछले किराएदार की बीवी तो खुद मेरे से झगड़ा करती थी, जब वो झगड़ा करेगी तो मैं खामोश हो जाऊंगी, मेरे मुंह में तो जुबान ही नहीं है। जी तो वीडियो क्लिप आपने देखा, अगर आप जीतना चाहते हैं 0 मीटर मोटरसाइकिल जो कि भेजी है रोड प्रिंस ने, तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, SMS कर दीजिए ड्रामे का नाम, हमारी दुनिया न्यूज की वेबसाइट जिसका ID नीचे चल रहा है, आप वहां पे भी जवाब दे सकते हैं, लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। जी विजय ਚਲਣਾ ਢੋਲ ਵਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਚੱਕੋ ਫੱਟੇ, ਜੋ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਟੋਰਾਂ ਵੇਚਣ, ਕਦੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੋ, ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕਾਟਨਾ ਦਾ ਦੰਕਰ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਹਾਂ
इनको मैं जो बात बताऊंगी ये उसको अजीब का ट्विस्ट दे देंगे। मेरे ये मुस्कुराहटों के जो इंजीनियर हैं इनको आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि वो कौन से डॉक्टर। मैं समझ गया, मैं कहती हूँ मैं कोई, अरे नहीं एक दफा उस्मा की लो एक। वेलकम बैक टू मजाक रात। अजमा बुखारी साहिबा, अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उजमा साहिबा को मुबारकबाद तो दीजिए, मियां साहब अब डॉक्टर साहब भी बन गए हैं। डॉक्टर अब तो कौन के मसाइल, उनकी बीमारियां, उन सब चीजों का इलाज होगा। सारे बच्चों के मुंह टीके लगाओगे मियां नवाज़ी। उनकी तो उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसके मुंह में थर्मामीटर दे देंगे। अरे नहीं भाई ठीक है, उनकी बात सुनो, कुछ कहना चाह रही और वडी पर जाइए मुंह कर। अजी हम जब तकरीर करेंगे तो सफेद कोट पहनेंगे। सर को बताना चाहती है कि मियां साहब वो डॉक्टर नहीं है, वाले टीकों वाले डॉक्टर नहीं। अच्छा, नहीं मैं समझे पहले डॉक्टर ने गरीब लोग नहीं कहते भाई डॉक्टर से खाल लाने मान ऑर्थोपेडिक सर्जन बने हैं, हार्ट सर्जन बने हैं, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर बनेंगे बुजुर्ग उनको दुआएं देंगे कि आपकी डॉक्टरी चले तो लोगों की तो हड्डियां टूटेंगी, तो उनकी डॉक्टरी चले। और मियां नवाज़ी साहब लगे डॉक्टर है क्या बात है, हम नहीं चूकता उन्होंने डॉक्टर ने मना की थी। और रोटी नहीं खाता उन्होंने डॉक्टर ने मना की थी। अरे अस्पताल प्रबंधन में डॉक्टर ने तेनू मना की थी मेनू दे दे। अच्छा क्या कहेंगी इस बारे में, अब तो डॉक्टर साहब बन गए हैं मियां साहब। इनको मैं जो बात बताऊंगी ये उसको अजीब का ट्विस्ट दे देंगे। मेरे ये मुस्कुराहटों के जो इंजीनियर हैं इनको आपको वजाहत करनी पड़ेगी कि वो कौन से डॉक्टर। मैं समझ गया, मैं कहती हूँ मैं कोई, अरे नहीं एक दफा उस्मा की लो एक। थक्कुर ना एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने लगे मरीज का। अच्छा, मरीज रोए कहाँ पे, डॉक्टर भाई क्यों घबरा रहा, कहते डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है। डॉक्टर साहब ने कहा मैं को घबरा रहा हूँ, मेरा भी तो पहला है। माशाल्लाह मियां साहब तो एडे कारीगर डॉक्टर ने जनाब, उन्होंने एक बंदे का ऑपरेशन करके उसकी जेब च पत्थरी कड़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब से वो हुकूमत में आए हैं वो ऑपरेशन करते ही आए। अजी कराची का ऑपरेशन किया उन्होंने, क्या बलूचिस्तान का ऑपरेशन किया, आपका भी होने वाला है। अच्छा तो मैं वो पूछ तो लूं, वो तो बताइए डॉक्टर है। ये जी एक ऑनरेरी डिग्री होती है, यानी ये कोई एमबीबीएस से इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है। जो जो शोबे आपने बताए हैं खुदा का वास्ता उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो स्टूडेंट रहे हैं और उसको एक एजाजी डिग्री उनको दी गई है, ये एजाजी होता है, ऑनरेरी होता है, इसका किसी भी ऑपरेशन थिएटर से कोई ताल्लुक नहीं। तो उन डॉक्टर साहब ने कोई क्रिकेट टीम के हवाले से कोई पॉजिटिव चीजें की हैं? अभी तक तो वेट कर रहे हैं, अभी तक वो इन नहीं हुए इस क्रिकेट में ना। मियां साहब को चाहिए कि वो थोड़ी सी इंटेंशन दे क्रिकेट को, और काफी मामलात पे अभी हल होने की जरूरत है, और काफी करप्शन भी है, और मेन जो है कि हमारा जो रैंकिंग है वो नीचे आ रही है। इस चीज को देखनी चाहिए, और जो प्लेयर्स प्रमोट करने वाले होते हैं प्लेयर, उनकी बड़ी जरूरत है, और अच्छे लोग लेके आना चाहिए जिनकी इंटेंशन बिल्कुल क्रिकेट है, और प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्रिकेट। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है मियां साहब के वो थोड़ा सा इंटेंशन दे क्रिकेट बोर्ड में आए, और जिससे मामला था लो। अच्छा रज़ाक साहब वर्गे बंदे ना अक्सर मालूम मकान के अंदर भाजी ये मकान खाली करो या रात में जल्दी आ जाए करो। इतना अच्छा इंटरव्यू दे रहे हैं, लगता है हकीम है और नुस्खे बता रहे हैं। एडा वड्डा हीरो पेंट पाई ना इन्हें फटना ना इन्हें कुछ होना, लगता जिंदगी चोर को कपड़ा नहीं लाना मेरे भरा ने बरकता कपड़ा जिन्ना पैसे होंगे डॉक्यूमेंट होंगे बस पर जो पेंट जाया करो इन्हें देनी सिर्फ मेहनत इसलिए कर रहे हैं। ये इतनी बातें कर रहे हैं रज़ाक मियां आपको कुछ तो बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए। नहीं रोज साडा ही जो नौकरी है तो बोलना की मान परदेसियां का मुंह है मेरे भरा का। अरे उनको गुस्सा आ गया ना, साडा कौमी हीरो जो मर्जी कहिए साडा बादशाह भरा है। सिर्फ गुस्सा आने की देर है, बंदे इस शक्ल वाले बंदे को रक्षा बहुत खोल दे डाकू डाकू होकर। सबसे अच्छी बात पता ही क्या है कि अमानुल्लाह साहब बहुत सीनियर है, और आजकल जितने यंगस्टर हैं इनकी खूब बिस्ती कर रहे हैं। और मुझे इसमें खुशी है, मैं बोलते ही नहीं
ये बहुत बड़ी अजमत होती है। ये मुंह पे नहीं है, अपने ऊपर जुगत करवाना ये बहुत बड़ी बात है। ये मुंह पे इनके नहीं है। एक वक्त था कि ये एक आदमी होता था और सात सात बंदों को संभाला होता था। ये अब भी 70 बंदों को संभाल लेते हैं अकेले। नहीं, जिम्मेदारी बढ़ गई है ना। वो एक अलग बात है। मैं आपको कहने लगा था कि अचानक बाउंसर मारते हैं। रज़ाक साहब साडा तो फखर है, अल्लाह सच्चा जानता साडा कौमी हीरो है। उनकी ख्याल आंदा इधर टावर नाल बैठ जा। अरे उनके पास कख भी नहीं आवे ना। किसे मुसीबत पाई अपने गल टाइया लाइया ने ना लाऊ इन कोट आवे आवे असल में रज़ाक भाई बिल्कुल सादा सौ खुशबू के बंदे, बड़े सादा। ये तो एयरपोर्ट पे जाके पूछ लेते हैं कि जो फ्लाइट 12 बजे जानी है वो कितने बजे जानी है। पागल लोग अच्छा इसमें सर मुझे एक बात बताइए, अभी रिसेंटली इंडिया के साथ तजारत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हो रही है और कहा जा रहा है 7 days a week 24 hours a day चीजें यहां से वहां जाएंगी वहां से यहां आएंगी। कश्मीर पानी का मसला वो अपनी जगह है वैसे कभी। डू यू थिंक सो कि ये चीजें हो जाएंगी और वो चीजें वैसे ही पड़ी रहेंगी? नहीं देखिए नौमान साहब, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जिनके पे टाइम भी बहुत अभी लगेगा और वो इस तरह से आसान नहीं है करने के लिए। खासतौर पर जो मसला कश्मीर है, यकीनन हमारा एक कैटेगोरिक स्टैंड है इसके ऊपर, उस पर यकीनन इंडिया का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम क्या चीज भेजेंगे और क्या मंगवाएंगे वहां से? अभी कारोबार हम उनके साथ करना चाहते हैं, यहां से हम खुश रहे हम उनको भेजना चाहते हैं, वहां से टेपे मंगवाना चाहते हैं। डीपी का पद है कौन उन्हें उधरों में बुलाना जी, तेद्रो चौधरी शहजाद साहब भेजना। ये क्या मैच हुआ भाई? मेरा दोनों उन्होंने आती समझ नहीं आती, सानू इन्हों की समझ नहीं आती। अच्छा चलिए आप बताइए चाचा क्या जाना चाहिए यहाँ से वहां और वहां से यहाँ क्या आना चाहिए? बस ताजी हवा इधर उधर जावे उधर इधर आवे, कोई वीजा नहीं लगता। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं क्या जाना चाहिए यहाँ से? मैं समझता हूँ कि यहाँ से वलों वाले पराठे भेजें और वहां से लाचियां मंगवा लें। ऐसा वला ले परौठे भेजो देसी घे उ भाजी मंगाओ, आलू चने की भाजी मंगाओ, उतने नींबू जोड़ के खाओ। पाओ भाजी तो चाचा जी की जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमें वहाँ भेजे हम अपनी मर्जी की चीजें ले आएंगे। बहुत 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 प्यारे लगे इस बात के, बहुत प्यारी बात की। हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक के बाद अब दोबारा वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ खेलेंगे 2020 जी दीजिए। पर आई ख्वाहिश की पासवानी से भी बच न पाया, हजार सख्ती में बेमानी से भी बच न पाया, कहीं मयसर नहीं है पीने का साफ पानी तो कोई पानी ही की रवानी से बच न पाया। जिसे ना हो एहसास रहा कि मुश्किलों का, मैं ऐसे सुल्तान की हुक्मरानी से बच न पाया। हाँ जानवर में कौन पसंद है, गधा या खच्चर? न्योला। जी वेलकम बैक टू मजाक रात। अब हम अपने मेहमानों के साथ खेलेंगे 2020। जो कुड़ियां चाहिए ना चैनल ये बिल्कुल चाहिए, चलो भी खड़े हो जाओ। लड़कियां चाहिए कुकड़ियां नहीं। अच्छा अज़मा बखाई साहब, शॉर्ट क्वेश्चंस, वट एवर कम्स फर्स्ट इन योर माइंड एंड वट एवर यू थिंक इज द अप्रोप्रिएट आंसर, वट एवर यू वॉन्ट। शुरू करें आपसे, फेवरेट पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला या नवाज शरीफ? दोनों अपनी जगह पर। फेवरेट टीवी प्रोग्राम, सियासी टॉक शो या मॉर्निंग शोज? टॉक शोज। आइडियल रिलेशनशिप खावंद के साथ कैसे मुमकिन है, उसका हम ख्याल होना या ऑपोजिशन में बैठना? हम ख्याल होना। ये हम ख्याल होना। क्या पसंद है, बलावल की उर्दू या मीरा की इंग्लिश? माय गॉड दोनों बहुत अच्छे हैं। सास मेरी सहेली या सास भी कभी बहू थी? सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी। कौन सा रिश्ता पसंद है, नंद भावच का या देवरानी जेठानी का? देवरानी जेठानी बड़ी इंटरेस्टिंग होता है। क्या शौक से करती हैं, कुकिंग या ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग। फेवरेट शो, दर्दनाक या मजाक रात? मजाक रात। मजाक रात, मजाक रात देखती हैं आप? मैं तुहानू उदो कहा ना सानू भी वेख रहा है। पसंदीदा डिश कौन सी है, करेले गोश या चिकन चने? चिकन चने। असेंबली में क्या पहन के पसंद करेंगी जाना, साड़ी या सलवार कमीज? सलवार कमीज। ससुराल या मायका? घर जाना है भाई। दोनों दोनों ठीक। पकाने में क्या पसंद करेंगी, समोसे या माश की दाल?
माश की दाल जी रजाक साहब के साथ खेलते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी चलो जी रजाक भाई शुरू करें जी जी टेस्ट वन डे या ट्वेंटी ट्वेंटी वन डे टीम से दूरी की वजह आउट ऑफ फॉर्म होना या मोहम्मद हफीज दोनों नहीं है सियासत सियासत वाह फेवरेट अदाकारा मीरा या दीदार दोनों में कोई नहीं पसंदीदा कप्तान मिसबाह उल हक या शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी क्या पसंद है मिसबाह की सुस्ती या अफरीदी की चुस्ती अफरीदी थोड़े अग्रेसिव है वो पसंद है फेवरेट ग्राउंड दुबई या ओवल ओवल स्पॉट फिक्सिंग या डेट फिक्सिंग डेट फिक्सिंग जब हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है तो वो खुलना शुरू हो गया फेवरेट फिल्म जब तक है जहां या चूड़ियां चूड़ियां फेवरेट क्रिकेट लेजेंड सर डॉन ब्रेडमैन वसीम अकरम सचिन तेंदुलकर या इमरान खान वसीम अकरम क्रिकेट खेलने के लिए वेस्ट इंडीज या इंडिया इंडिया बेहतर इंडिया बेहतर अगर क्रिकेट ना खेलते तो काउटी के प्लेयर होते या कुश्ती के कुश्ती के जानवर में कौन पसंद है गधा या खच्चर न्योला मजेदार बातों का सिलसिला जारी है अजमा बुखारी साहिबा और अब्दुल रजाक साहब के साथ लेकिन लेनी पड़ेगी छोटी सी ब्रेक आप चारों कहीं मत जाइएगा विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक डीजे चुगनी तेरा रंग गुलाबी नाले टोर शराबी दूर न होवे किसे कोलो सिस्टम दी खराबी गुरबत टुटे चित्तर वांगू रोजी वधी जावे मारी ऐसी मत के साड़ी निकल गई नवाबी खत्म करो वे चकड़े सारे सिंधी ते पंजाबी किस्मत जो लगा ताला लंबो उसकी चाबी हाँ शुरू मुआशी कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ वेलकम बैक टू मजाक रात चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं अपने 8 जनवरी के प्रोग्राम के विनर से जिन्होंने बजरिया कुलंदाजी रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई ये वाली 0 मीटर जीती है आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में जावेद साहब आइए जावेद भाई जीते रोड प्रिंस वालों की मोटरसाइकिल जावेद भाई मुबारक हो चलो अपनी चलाओगे अब अपनी चलाओगे उनका छोटा भाई साजिद अशरफ अच्छा माशाल्लाह जी वो किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके आप भाई हैं उनके जी क्या नाम है आपका मेरा नाम साजिद अशरफ साजिद कहाँ से ताल्लुक है आप दोनों भाई मुल्तान से मुल्तान से क्या करते हैं मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अच्छा जी और जावेद साहब क्या करते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर और जॉब कर रहे हैं कहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी जी तो जो क्लिप हमने दिखाई थी जी जी। अब उसका जवाब लेने के लिए हमें उनका इंतजार करना पड़ेगा या आपको बता के भेजा उन्होंने नहीं जवाब तो मुझे भी पता ही है क्या है अनकही था अनकही वो। अनकही था वो ड्रामा अनकही इसके डायरेक्टर का नाम पता है कौन शुए मंसूर एक और डायरेक्टर थे जिन्होंने मोहसिन भाई मोहसिन अली साहब मोहसिन अली साहब अरे वाह बड़ा इल्म है तुझे मियां नहीं बोले तो क्या करेंगे आप इसका मोटरसाइकिल का इनू हांडी च पाउंगे चलाओगे और की करना कीमा करेंगे अभी बिच टमाटर पाना काली मिर्चा पानी जी या इनू प्रहार करा के खाना घर का सोफा हटा के ये रख देंगे वहां पे या परौंठ के रख के खाएगा मैं जी अरे वाह नुमान मियां क्या सवाल किया है लाल पंप लुआ ली पा दू है मल्याले मुझे की पकाया जी रोड प्रिंस पता मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ हमारे जो जीतने वाले हैं उनके पास ऑलरेडी मोटरसाइकिल थी तो ये होता है ना कि मैं इसको बेच दूंगा और इसके पैसे में फलां काम में लगा दूंगा टांगे नहीं तोड़ दूंगा रोड प्रिंस किसी ने बेचा अच्छा ठीक है अजी ये इनाम है बस इनाम ही रहना चाहिए क्या रोड प्रिंस के न्योले तो आपको खैर बहुत बहुत मुबारक हो ये आप मुझे दे दीजिए और ये चाबी आप रखिए रोड प्रिंस की जानिब से ये जीते हैं एक अदद मोटरसाइकिल क्लिप का सही ड्रामे का नाम बताकर बहुत सारी तालियां भाई के लिए इसको स्टार्ट कीजिए इसको चाबी से ना कहीं शुरू हो जाना बहुत सारी तालियां बजाइए मेरे भाई के लिए वेरी नाइस जी यहां बताता चलूं अपने 13 जनवरी के प्रोग्राम के विनर का नाम जो बजरिया कुरंदाजी रोड प्रिंस की भेजी गई मोटरसाइकिल जीते हैं उनका नाम है मोहम्मद अली और उनका ताल्लुक है गुजरांवाला से अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको रोड प्रिंस की तरफ से भेजी गई है मोटरसाइकिल बहुत सारी तालियां
تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دونوں مہمانوں کا اتنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے آپ دونوں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کے اینڈ میں ہمارے ڈی جے ایک گانا پیش کرتے ہیں جو کہ ہماری قوم کی آواز ہوتی ہے, اس کی پیریڈ بھی ہوتی ہے, مسٹ بی فیملیئر ود دیٹ. تو وہ آپ دونوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے. جی ڈی جے پلیز. ملک پورے وچ گیس بجلی کھیلے آنکھ مچولی اس دی پھردی یوتھ بیکار پھردی یوتھ بیکار سب کے بند ہے کاروبار شروع معاشی قتل ہوئے تو چرچا شروع ہوا بھرے کوئی بھوک سہی مر جائے پیچھے کوئی بہرانوں کا ریلا سا لگ جاتا ہے ہر کوئی مشکل سے دو وقت کی روٹی کھاتا ہے ارے ختم ہوا نا یوں غربت کا غلبہ شروع ہوا بجا اس کی سسٹم وہ پرانا تھا اب تک نہ لا پائے اپنے ملک میں گیس ایرانی وہ اور بچا پائے نہ انڈیا سے اپنا پانی وہ آئین سے